बिस्मिल्लाह इरहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। बेसिकली जो केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी किया करें। सब्सक्राइब आप इसलिए करें क्योंकि मैं लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, तो आपको जब भी मैं कोई लेक्चर वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक वो लेक्चर आसानी से पहुँच जाए और आपको पता चल जाए और आप उसको सुन सकें। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ केमिकल फोर्सेस से, वहाँ से फिर हम केमिकल बॉन्ड की तरफ जाएंगे। देखिए, केमिकल फोर्सेस बेसिकली होती क्या है। केमिकल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो मुख्तलिफ तरह के एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद होती हैं, उनको हम केमिकल फोर्सेस कहते हैं। उन केमिकल फोर्सेस को हम दो बड़ी टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखिए जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की पहले बात कर लेते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऐसी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो। वो मॉलिक्यूल्स चाहे एक जैसे दो मॉलिक्यूल्स हों, चाहे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हों, तो जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं उनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। अब मॉलिक्यूल्स पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं। उसकी अब मुख्तलिफ पांच टाइप्स हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। इसमें सबसे पहली जो टाइप है वो है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस। तो ये चीज याद रखिए कि ये डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस हमेशा पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होगी, यानी डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन हमेशा दो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बताऊं HCl है और इसी तरह HCl का दूसरा मॉलिक्यूल है, तो आपको पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये दोनों जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, इसका एक पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल को अट्रैक्ट करेगा, तो ये वाली जो अट्रैक्शन होगी इसको हम डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ये डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन दो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस को कहते हैं। इसके बाद हम चलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। देखिए, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस जो होती हैं ये बेसिकली पोलर और नॉन पोलर, पोलर एंड नॉन पोलर। इसमें एक मॉलिक्यूल पोलर होगा और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर हो सकता है। उनके दरमियान जो एक वीकेस्ट अट्रैक्शन स्टार्ट होगी उसको हम डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आर्गोन और वाटर के दरमियान अट्रैक्शन हो जाए तो इसको हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस कहेंगे। आर्गोन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो इस तरह की जो अट्रैक्शन होती है इसको हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। आगे हम चलते हैं आयन डाइपोल फोर्सेस पे। आयन डाइपोल फोर्सेस बेसिकली याद रखिएगा, इसमें एक आयन होगा और दूसरा वाटर होगा। आयन और वाटर के दरमियान जो भी अट्रैक्शन होती है उसको हम आयन डाइपोल फोर्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सोडियम के आयंस की वाटर के साथ अट्रैक्शन हो या क्लोराइड के आयंस की वाटर के साथ अट्रैक्शन हो, तो इस अट्रैक्शन को हम आयन डाइपोल फोर्स कहेंगे। राइट, ये आपने ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है वो होती है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान, नॉन पोलर। इसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं, आप हैलोजेंस की एग्जांपल ले लें, आप नोबल गैसेस की एग्जांपल ले लें, आप अल्केन्स की एग्जांपल ले लें, उनके दरमियान जितनी भी अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो इनफैक्ट लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। इनको हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चार हमने जो टाइप्स पढ़ी हैं, ये चीज आप जहन में रखिएगा, इन चारों टाइप्स को के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वंडर वॉल्स फोर्सेस। इन चारों टाइप्स को हम वंडर वॉल फोर्सेस कहते हैं, तो दीज आर वंडर वॉल फोर्सेस। अच्छा, अब ये पांचवी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की टाइप है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये एक स्पेशल तरह की अट्रैक्टिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, इनके दरमियान एक अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है, इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, जैसे वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लेकिन बहरहाल हमारा आज का ये टॉपिक नहीं है, हमने केमिकल बॉन्ड्स के ऊपर बात करनी है, तो ये एक मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन जो है आपको इनके बारे में दिया है। अब हम चलते हैं इंट्रा मॉलिकुलर फोर्सेस पे। देखिए, इंटर हम कह रहे थे कि ऐसी फोर्सेस जो
दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो, वो दो मॉलिक्यूल्स चाहे एक जैसे हो चाहे डिफरेंट हो। जैसे यहाँ आपने देखा ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक जैसे हैं और यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हैं, इनमें अट्रैक्शन पाई जा रही है। इंटर की एग्जाम्पल्स थी। इंट्रा का मतलब होगा द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन विच आर प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल के एटम्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं उनको हम इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेज कहते हैं और इनको हम केमिकल बॉन्ड्स भी कहते हैं। दीज आर कॉल्ड केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स। तो अब ये चीज आपने याद रखनी है, बेसिकली इनकी तीन मेन टाइप्स हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इनकी एक चौथी टाइप भी है लेकिन उसको हम सेपरेटली डिस्कस कर रहे होते हैं, वो बेसिकली है मेटैलिक बॉन्ड। तो ये जो बेसिकली इंट्रा मॉलिकुलर फोर्सेज हैं दे आर मच मोर स्ट्रॉन्गर देन इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज। ये इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज के मुकाबले में बहुत स्ट्रांग होती हैं। हम आगे चाहते हैं इन तीनों जो बॉन्ड्स हैं इनके ऊपर डिटेल से डिस्कशन करेंगे, ठीक है, और मैं इसमें लेक्चर अपलोड करूंगा। लेकिन इससे पहले हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि वाई एटम्स फॉर्म बॉन्ड्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, वाई एटम्स फॉर्म बॉन्ड्स, वाई एटम्स फॉर्म बॉन्ड। ये एटम जो है ये केमिकल बॉन्ड्स बनाते क्यों हैं, ठीक है। तो एक तो पहली चीज जो है हमने याद रखनी है वो है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एटम्स बॉन्ड बनाते हैं। याद रखिएगा जब एटम्स जो हैं वो एटॉमिक स्टेट में होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा और स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। लेकिन जैसे जैसे वो अपने एक दूसरे के करीब आके बॉन्डिंग कर रहे होते हैं उनकी एनर्जी कम होती चली जाती है और स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब है जब वो बॉन्ड बनाएंगे तो उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और एनर्जी कम हो जाएगी। तो इसलिए स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए और एनर्जी को कम करने के लिए एटम्स जो है वो बॉन्ड बनाते हैं। और दूसरी इसकी रीजन जो है वो है टू स्टेबलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अच्छा, इसको हम कहते हैं, ये कह सकते हैं कि अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए और अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए एटम्स जो है वो बॉन्ड बनाते हैं। इसमें आप याद रखिएगा हर एटम जो है उसकी ये डिजायर होती है कि वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैसेस जैसी कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट कर ले। नोबल गैसेस ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं। तो डेफिनेटली ये भी जो दूसरे एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो भी ये चाहते हैं, उनकी ये डिजायर है कि वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैसेज जैसी कर लें। इट मींस कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर लें। तो उसके लिए दो रूल्स फॉलो करेंगे। एक को हम कहेंगे डबलेट रूल, डबलेट रूल, और दूसरे को हम कहते हैं ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, डबलेट रूल में बेसिकली एक एटम जो होता है वो अपने आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स पूरे करना करने के लिए एफर्ट करता है, बॉन्डिंग करता है, और ऑक्टेट रूल में वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए जो है वो बॉन्डिंग करता है। तो बॉन्डिंग वो कैसे करेगा, या वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, या डोनेट करेगा, या एक्सेप्ट करेगा, या ट्रांसफर करेगा। तो इन सारी सूरतों के अंदर जो है केमिकल बॉन्ड बनेगा, केमिकल बॉन्डिंग होगी। तो डबलेट रूल जो है वो उन एटम्स पे अप्लाई होता है जिनका एटॉमिक नंबर कम है, और ऑक्टेट रूल जो है वो उन एटम्स के ऊपर अप्लाई होता है जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। जैसे हाइड्रोजन है तो उसके ऊपर हम डबलेट रूल अप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इसी तरह बड़े एलिमेंट्स हैं तो उनके ऊपर ऑक्टेट रूल अप्लाई होगा। हम जब आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे तो हम इन रूल्स को अप्लाई करते हुए देखेंगे कि क्यों ये एटम्स जो है वो बॉन्ड्स बना रहे हैं और इन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, बेसिकली बॉन्डिंग इसलिए होती है ताकि एटम अपने आप को स्टेबलाइज कर ले। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जो ऑनवर्ड कंटिन्यू करेंगे उसमें हम आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच डियर व्यूवर्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आयनिक बॉन्ड। अब हम ना आयनिक बॉन्ड के हवाले से डिस्कस करते हैं और आयनिक बॉन्ड की कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आयनिक कंपाउंड्स की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए जी, जो आयनिक बॉन्ड होता है बेसिकली सबसे पहली बात क्या है कि आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है, राइट।
मेटल होती है इलेक्ट्रो पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन डोनर, और नॉन मेटल होती है इलेक्ट्रो नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो आयनिक बॉन्ड हमेशा उस वक्त बनेगा जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक मेटल यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम से एक नॉन मेटल यानी इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम की तरफ ट्रांसफर होगा, कंप्लीट ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, यू कैन सी हियर कि अ बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल, मेटल मीन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, फ्रॉम अ मेटल एटम टू अ नॉन मेटल, नॉन मेटल मीन इलेक्ट्रो नेगेटिव, राइट। तो ये आपने याद रखना है कि आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल से नॉन मेटल में जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है उसकी वजह से बॉन्ड बनता है, उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये जहन में रखिएगा, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। द रीजन इज दैट क्योंकि इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है, इसलिए ये जो दो एटम्स होते हैं जो कि मेटल और नॉन मेटल, ही आपस में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप कर लेते हैं। अब हम इसकी तीन एग्जाम्पल्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहले ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये मैंने डॉट और क्रॉस फॉर्मूला के जरिए से इसको एक्सप्लेन करना है। डॉट और क्रॉस जो है ये इलेक्ट्रॉन्स ही को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, जिसमें एक एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम डॉट्स के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस के जरिए से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जी सोडियम क्लोराइड की। तो यू कैन सी हियर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे में 8 हैं, और आखिरी शेल में तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि बैलेंस शेल है। और इसी तरह क्लोरीन जो है उसके पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में 8 हैं, और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल, आपको पता है कि इन एटम्स में अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, तो सोडियम जो है जब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना उसने कंप्लीट करना होगा तो डेफिनेटली वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, राइट। जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करेगा Cl को, क्योंकि क्लोरीन जो है उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। उसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा टूवर्ड्स Cl। तो ये आप ध्यान में रखिए कि सोडियम जो है ये मैं उसका आउटर मोस्ट शेल बनाया हुआ है, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा टूवर्ड्स क्लोरीन। सोडियम इज अ मेटल एंड क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो डेफिनेटली सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और सीएल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जब इन दोनों के ऊपर ये चार्जेस आ जाएंगे, देखिए पहले इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 और 1, और यहाँ पे सीएल की है 2, 8, 7। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा और एन ए पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से सीएल नेगेटिव बन जाएगा, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 और 8, और सिमिलरली 2, 8, 8। इट मींस के दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और दोनों के ऊपर, एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और दोनों के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया, एंड दैट बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, बिकॉज दिस बॉन्ड हैज बीन डेवलप ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। तो ये एक एग्जाम्पल हो गई सोडियम क्लोराइड की आयनिक कंपाउंड के हवाले से, आयनिक बॉन्ड के हवाले से। अब हम देखते हैं, आगे चलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, हर वो कंपाउंड जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है उसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो हम इसके बारे में देखते हैं कि इसमें किस तरह से आयनिक बॉन्ड बनता है। देखिए मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके आउटरमोस्ट टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 12 होते हैं, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 2 है, यानी आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह जो ऑक्सीजन है उसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले शेल में 2 हैं और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब डेफिनेटली इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है और ऑक्सीजन ने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो व्हाट विल हैपन, देखिए यहाँ से मैग्नीशियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है, ऑक्सीजन के एटम को, और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करेगा। तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे मैग्नीशियम की तरफ से, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, राइट। तो इट मींस दैट मैग्नीशियम के ऊपर प्लस 2 चार्ज आ जाएगा,
और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन 2 और 8 हो जाएगी। इट मींस दैट कि मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया और इसने अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए टूवर्ड्स नॉन मेटल एटम, बिकॉज मैग्नीशियम इज अ मेटल एंड ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल। तो आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन देखें कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन चूंकि ट्रांसफर हुए हैं तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं। इट मींस कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आ गया। अब ये 2 चार्जेस डेवलप हो गए, इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन डेवलप होगी और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो एक आयनिक कंपाउंड के तौर पे बन जाएगा, राइट। तो इस तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है इट्स अनदर एग्जांपल ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब हम तीसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तीसरी एग्जांपल हमारे पास है कैल्शियम फ्लोराइड। कैल्शियम इज अ मेटल, ये भी एक मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल से इसका ताल्लुक है और इसके पास टोटल इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन इस तरह से है, इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो फ्लोरीन है इसके पास टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले शेल में 2 और आखिरी शेल में दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए इनकी क्रॉस और डॉट डायग्राम बनाई हुई है। ये कैल्शियम जो है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में इसका बनाया है, और फ्लोरीन का जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है जो मैंने यहाँ पे शो किए हैं। तो व्हाट विल हैपन, अब क्या होगा कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है कैल्शियम एक फ्लोरीन एटम को ट्रांसफर करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे फ्लोरीन एटम को ट्रांसफर करेगा, राइट। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, ये बुनियादी तौर पे फ्लोरीन का जो है एक इलेक्ट्रॉन है जिसको मैं क्रॉस के जरिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो व्हाट विल हैपन, देखिए जब कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं तो इस पर +2 चार्ज आ गया, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गई है 288। इट मींस दैट कि कैल्शियम का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और फ्लोरीन के जो 2 एटम्स हैं जब उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे उसके उनके 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए इसको अगर मैं इस तरह से डॉट और क्रॉस के जरिए कंप्लीट करूँ तो इसको हम कंप्लीट इस तरह से करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन इसका ये था और एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है सी कैल्शियम एटम से, राइट, कैल्शियम से। तो इस तरह इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सिमिलरली जो दूसरे वाला फ्लोरीन एटम है, ठीक है, उसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंप्लीट हो गए, ठीक है, उसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट हो गया और ये एक इलेक्ट्रॉन इसने डेफिनेटली कैल्शियम से गेन किया है, कैल्शियम से ट्रांसफर हुआ है। तो इस तरह से फ्लोराइड आइंस बन गए। तो इन दोनों पे -2 चार्ज होगा टोटल और यहाँ पे +2 चार्ज होगा, तो ये दोनों आपस में कंबाइन करके कैल्शियम फ्लोराइड का जो है आयनिक कंपाउंड जो है वो बनाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आयनिक बॉन्ड बनता है तो एक मेटल से नॉन मेटल की तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होते हैं, राइट, जो आपने देखा मैंने 3 एग्जांपल्स के जरिए इसको एक्सप्लेन किया। अब हम थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या होती है, राइट। तो उसके बारे में हम जो है आगे डिस्कशन करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे जी आयनिक कंपाउंड्स की खसूसियात, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि आयनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आयनिक बॉन्ड बनता है, और आयनिक बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ा कि ये वो बॉन्ड है जो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से बनता है, जो इलेक्ट्रॉन एक मेटल से नॉन मेटल की तरफ ट्रांसफर होता है। तो हम आयनिक कंपाउंड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट इसकी करेक्टरिस्टिक ये है कि आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है। द रीजन इज दैट कि इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होता है और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है उसको ब्रेक करने के लिए, आयन्स को डिटैच करने के लिए ज्यादा हीट या ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। लिहाजा जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा हाई होगा, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। दूसरी चीज है कि आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। शार्प का मतलब है कि जब इनका मेल्टिंग पॉइंट आता है तो सडनली ये मेल्ट कर जाते हैं, राइट। तो ये बेसिकली इनका जो शार्प मेल्टिंग पॉइंट है ये इनकी एक ऐसी करेक्टरिस्टिक है जिसकी बेसिस पे हम इनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। सो शार्प मेल्टिंग पॉइंट इज एन अदर करेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक कंपाउंड। देन थर्ड वन इज वॉटर सॉल्युबल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स जो कि आइंस बनाते हैं तो वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, सो डेफिनेटली आइंस जो है दे
डेफिनेटली वेन दे आर फॉर्म या आयनिक कंपाउंड वेन फॉर्म आयन्स डेफिनेटली दे कैन इजीली बी डिजॉल्व बाई वाटर, ठीक है। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे वो भी पोलर इन नेचर होंगे और वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है और डेफिनेटली लाइक डिजॉल्व्स लाइक का रूल है। तो फिर जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं जनरली दे आर सॉल्युबल इन वाटर। इसके बाद हम चलते हैं, इनका स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टलाइन। इट मीन्स दैट के जो आयनिक कंपाउंड्स हैं इनके क्रिस्टल लैटिस होते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्योंकि ये जब आयन्स आपस में इनकी पैकिंग होती है तो एक थ्री डायमेंशनल वे में इनकी पैकिंग चल रही होती है, जिसकी वजह से इनका एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड है उसके क्यूबिक क्रिस्टल्स होते हैं, इस तरह बहुत सारे डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके क्रिस्टल्स की डिफरेंट शेप्स होती हैं, राइट। तो ये जरा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, ठीक है, ये जन्म रखिएगा, ये बेसिकली आयनिक कंपाउंड हमेशा क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। इसके बाद है कि यहाँ पे बात की ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। नॉन डायरेक्शनल का मतलब है कि आयनिक कंपाउंड्स की कोई पर्टिकुलर ज्योमेट्री नहीं होती। जिस तरह हम बात करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स की, तो उनमें चूंकि एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हम उनकी ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उनके बॉन्ड एंगल्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो डायरेक्शनल होंगे। लेकिन जो आयनिक कंपाउंड्स होंगे वो नॉन डायरेक्शनल होंगे। फॉर एग्जांपल एक सोडियम है, तो उस सोडियम पॉजिटिव आयन को बहुत सारे क्लोराइड आयन्स ने सराउंड किया हुआ है। इसी तरह एक क्लोराइड आयन है तो बहुत सारे सोडियम के आयन्स ने उनको सराउंड किया हुआ है। तो ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, डायरेक्शनल नहीं होते। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपने इसकी इसको जहन में रखना है। इसके बाद ये है, ये ब्रिटल होते हैं, मतलब ब्रेकेबल होते हैं, क्योंकि अगर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये चूंकि लेयर्स की फॉर्म में होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव लेयर्स, तो जब आप थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो पूरी एक लेयर की फॉर्म में सेपरेट हो जाते हैं। ये ब्रेकेबल होंगे, ब्रिटल होंगे, एक पर्टिकुलर एंगल है जिसके ऊपर हम अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये टूट जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। इसी तरह ये मैलेबल और डक्टाइल है। मैलेबल और डक्टाइल का मतलब है दीज कैन बी कन्वर्टेड इंटू शीट्स एंड वायर्स। इनको शीट्स एंड वायर्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। द रीजन इज दैट जो मैंने पहले एक्सप्लेन की कि इनके जो आयन्स हैं, जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स हैं, अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो एक दूसरे के आमने सामने आकर जो है वो रिपल्शन कॉज करेंगे और कोई लेयर्स की फॉर्म में, शीट्स की फॉर्म में, ठीक है, ये डेफिनेटली डिटैच होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये इनकी एक साथवीं करेक्टरिस्टिक है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इनकी करेक्टरिस्टिक ये है कि ये इंसुलेटर्स होते हैं इन सॉलिड स्टेट। वेन दे आर सॉलिड इन सॉलिड स्टेट डेफिनेटली देर इज नो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, देर इज नो मूवमेंट ऑफ आयन्स। देखें जब सॉलिड स्टेट में होंगे तो ये इनके आयन्स भी स्टैटिक होते हैं, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होते, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट नहीं करते। लेकिन जब जैसे ही ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है आठवीं, लेकिन नाइन्थ वन जो है दैट इज रिलेटेड टू दिस कि जब जैसे ही आयनिक कंपाउंड जो है उनको हम वाटर में डिजॉल्व करें या उनको मेल्ट कर दें तो उनके जो आयन्स हैं वो फ्री हो जाते हैं और फ्री होने की वजह से वो मूव करना शुरू कर देते हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है बेसिकली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या मूवमेंट ऑफ आयन्स की वजह से होती है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं दे आर गुड कंडक्टर व्हेन दे आर इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस स्टेट। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ये हमने आयनिक कंपाउंड्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो है डिस्कस की हैं, जो कि आप जहन में रखिएगा। थैंक यू। इसके बाद हम आगे चलेंगे।